राइटर डायरेक्टर मनोज त्रिपाठी की हिंदी फिल्म दबिश का शुभ मुहूर्त मुंबई में संपन्न हुआ। फिल्म में आमिर मलिक, ऋचा सिन्हा और आनंद देव मिश्रा हैं। इस फिल्म की कहानी क्राइम बेस पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में किया जाने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं मुहूर्त के अवसर पर कलाकारों और डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा। Hello everyone, I am Amir Malik from Uttar Pradesh. Pursuing my acting career from last 10 years. आप मुझे जानते होंगे as Sensodyne Boy. And yep, I'm looking forward to this project. Manoj भाई ने जिस तरीके से मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया I find it very interesting. और इसलिए मैंने उनको हाँ किया क्योंकि स्टोरी लाइन इज वेरी नाइस। बाकी मैं ऋचा जी से पूछना चाहूँगा कि अब वो क्या ख्याल रखती हैं इस चीज़ के बारे में। सो आई हैंड द हाय एवरीबॉडी, आई एम ऋचा सिन्हा एंड आई एम फ्रॉम बिहार। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट होती हूँ क्योंकि बिहार बेस्ड स्टोरी है, क्राइम बेस्ड। बिहार में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक लोगों ने सुनी नहीं है, देखी नहीं है। तो इस फिल्म के ज़रिए मनोज जी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी बताएंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत अच्छी कास्ट है, हम सब हैं, सर हैं। तो देखते हैं क्या एक्साइटिंग चीज़ निकल कर आती है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम दानिश वालरा है और पेशे से अभिनेता हूँ मैं। और मनोज जी और आमिर जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो इन्हें सपोर्ट करने यहाँ पे आया हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरी इनके साथ। और एक्साइटेड हूँ काफ़ी इनके प्रोजेक्ट को लेके क्योंकि जितना भी इन्होंने मुझे बताया स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा बहुत ही बताया, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और जैसे ही शूट स्टार्ट होगा तो लेट्स सी। या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इस पर काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। करीब मुझे लगता है कि 1.5 ईयर हो गए जब मैं एक बार बिहार गया था और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी और कुछ चीज़ें मैंने देखी थी वहाँ के लोगों के रहन सहन, बातचीत। और चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, तो मुझे बिहार के कल्चर के बारे में जस्ट लाइक सीइंग, मैं ये कह सकता हूँ कि मिलता जुलता कल्चर है गोरखपुर और बिहार के कुछ हिस्सों का कल्चर। तो ये है कि मैंने सोचा कि ये एक काफ़ी इंटरटेनिंग और एक सब्जेक्टिव स्टोरी होगी जिस पर हम काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको प्लान करते करते काफ़ी चीज़ें, आप समझ सकते हो कि डायरेक्टर को क्या चाहिए होता है कि भाई स्टोरी तो प्लान कर सकता है, साथ में उसको फाइनेंस ये वो सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। तो स्टोरी तो वाकई जिसको मैंने सुनाया है, जिन्होंने भी सुना उन्होंने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। और अब उसमें हम लोग शायद 6 मंथ पहले ही हम लोग ये काम कर चुके होते अगर ये कोविड के टाइम नहीं होता तो, लेकिन कोविड आ जाने की वजह से हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया और अभी हम लोग इसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने में थोड़ा सक्सेस हो गए हैं। तो और रही बात स्टोरी की, स्टोरी के बारे में बताऊं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको क्राइम बेस्ड स्टोरी है, इसमें क्राइम है, सस्पेंस है, ड्रामा है, लेकिन स्टोरी को मैं अभी फिलहाल तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता बाकी मीडिया के सामने। वो जब स्क्रीन पे आएगी तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अभी हम लोगों ने
मतलब हम लोग इसके साथ हम लोग अभी जजमेंट नहीं कर पाएंगे अगर हम इस स्टोरी को अभी एक्सपोज कर देंगे तो, ठीक है। दिनों से मैं आमिर को जानता हूँ, लगभग मुझे लगता है कि मैं 2012 या 13 से जानता हूँ आपको। तो वो उस टाइम की बात है जो हम लोग दोनों लोग स्ट्रगल करते थे, मैं असिस्टेंट में और ये अपने एक्टिंग करियर के लिए। तो हम लोग घंटों बात ही किया करते थे कि ये फिल्में होंगी, इस तरह से करेंगे, इस तरह से चीज़ें होंगी, अपने ड्रीम को एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो स्टोरी है एक कॉप की स्टोरी है, एक पुलिस वाले की स्टोरी है, और वो भी काफ़ी दबंग पुलिस वाले की स्टोरी है जो किसी भी केस में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसे सॉल्व करके ही छोड़ता है, इस तरह की। तो चूंकि मुझे उस तरह के एक्टर और पर्सनालिटी की भी रिक्वायरमेंट थी, तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में यही बात आई कि आमिर इसके लिए सबसे बेस्ट होंगे। और फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया और फिर ये रेडी हो गए मेरी स्टोरी सुन करके। तो हम लोगों ने बोला कि चलो अभी इसको प्लान करते हैं। फिर रिचा जी भी आए ऐसे कॉन्टेक्ट से और इनको सुनाया, इन्होंने भी यहाँ बोला, बाकी दानिश और सभी लोग और बाकी मेरी टीम जो मेरे साथ है, जैसे सुनील है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहला दिन है तो शुरुआत हो चुकी है और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे आर्टिस्ट जो दानिश जी हैं और ऋचा जी हैं और आमिर, तो सहयोग सब लोगों का है और मेहनत है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा संगीत दूं और आप सभी लोगों को एंटरटेन करूं। और बाकी आप सभी को पता है, पता चले जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर माय एंटायर टीम, सब लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। सर, आपके लिए सवाल है कि ये जो फिल्म बन रही है बिहार की, विष्णुभूमि बन रही है, और जब बिहार और यूपी का नाम आता है तो आइटम का तड़का लगता है, तो कितने आइटम सॉन्ग होंगे इसमें? आइटम सॉन्ग अभी फाइनल नहीं किया, बट मैं चाहता हूँ कि इसमें हो आइटम सीक्वेंस, बिकॉज इट्स रियली रिक्वायर्ड, क्योंकि ट्रेडिशनल मूवी है, बिहार है, तो डेफिनेटली आइटम नंबर्स होना चाहिए। तो डायरेक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि आइटम नंबर हो गया या नहीं। ये सवाल है कि जब यूपी और बिहार की बात चलती है तो एक्ट्रेस जो होती है थोड़ी सी हट्टी कट्टी होती है, आपने ऋचा जी का चुनाव किस तरह करते हैं? मैं स्क्रीन पर हट्टी कट्टी दिखती हूँ। हाँ बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बात कही। मैंने जब इनका ऑडिशन वीडियो देखा था या फिर हमने इनका वीडियो देखा था तो अभी मुझे वो काफ़ी ठीक ठाक लगी, जो हमारे कैरेक्टर में बिल्कुल फिट आ रही थी। और मैंने ये सोचा कि यही कैरेक्टर हो सकता है जिससे हम लोग कर सकते हैं साथ में काम। दानिश, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब शुरू होने वाली है, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी तरफ से, और कॉप के साथ मतलब क्या कुछ होने वाला है, किरदार के बारे में अगर कुछ बताना चाहे आप। मुझे डायरेक्टर साहब ने मना किया वैसे तो कुछ भी बताने के लिए, मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं बहुत लेट ऑन बोर्ड आया हूँ और मेरा लास्ट मोमेंट पे आई थिंक चुनाव किया गया है और मुझे सरप्राइज मिला है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो और मेरा इसमें ये बता सकता हूँ कि जैसे आमिर जी जो है उनका बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है और जैसे वो दिखते भी हैं, और मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं, मूवी में भी और रियल लाइफ में भी। बस इतना ही, थैंक यू। मैं भी अभी रिसेंटली ऑन बोर्ड आई हूँ, मैंने स्टोरी सुना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, स्पेशली क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई, और मैंने खुद बचपन से इतनी कहानियाँ सुनी है क्राइम बेस्ड, बिहार झारखंड यही सब चीज़ें वहाँ होती है, तो मैंने कहा क्यों नहीं ऐसा कुछ करे जो अपने आप को वहाँ पर, वहाँ का रिप्रेजेंट कर पाऊँ। और प्रिपरेशन तो अभी करनी है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, देखते हैं आगे कैसे कैसे होता है। स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, सर जितना बोल सकते थे उन्होंने बता दिया, बाकी देखते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए।
आमिर जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि हमने देखा है कि ऑन स्क्रीन बहुत ही सारे कॉप हमने देख चुके हैं, सभी जैसे सलमान, शाहरुख, जो है अक्षय जी, बहुत अच्छा किरदार निभाया था, तो किस तरह के कॉप होंगे और क्या आप लोगों ने, आपने कुछ इनसे इंस्पिरेशन ली है अपने किरदार के लिए? मैं बहुत ही रियलिस्टिक कॉप होगा, एक प्रॉपर पुलिस वाला जो उन्होंने लिखा है, और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज पे भी काम कर रहा हूँ, और फिजिकली मेंटली मैं धीरे धीरे उसमें उतरता जाऊँगा। बाकी स्टोरी इतनी अच्छी लगी मुझे कि जिस हिसाब से स्टोरी का ग्राफ जा रहा है ना, इट्स माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लिखा है मनोज भाई। और तो बस हमारे पास जो भी 1.5-2 महीने का टाइम है, मैं पूरा लगा दूंगा, एंड एक एक्टर इसी चीज़ के लिए तो वेट करता है ना। तो अगर स्टोरी के बारे में जाना तो वो आपको थोड़ा मनोज भाई बता सकते हैं, जस्ट यू कैन हैव द हिंट फ्रॉम हिम। जी, इसके अंदर और कौन कौन से कलाकार हैं, जैसे देव आनंद भी जी हैं, ऐसा कुछ सुनने में है? आनंद जी, हाँ आनंद जी, आनंद जी से मेरी 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, 2 दिन, बस 2 दिन पहले। तो एक्चुअल में आनंद जी को मैंने बोला कि आनंद जी, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और ये सब चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मैं भी आपके साथ आना चाहूँगा और मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और चूँकि हमें एक हमारी फिल्म में 2 ग्रुप, एक पुलिस का ग्रुप है जो मतलब अपनी ड्यूटी करता है, और एक दूसरा ग्रुप है जो विलेन का ग्रुप है जो उसको ड्यूटी करने से रोकता है, सिंपल सी चीज़ है, यही स्टोरी है टोटल का, ठीक है। तो जो दो ग्रुप हैं वो हमें ग्रुप में जो लोग चाहिए थे वो एकदम बिल्कुल जैसे पुलिस वाले होते हैं, उनका एक लुक होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, तो मैंने आनंद जी से बोला था कि यार हम लोग हमें इस तरह का कोई कैरेक्टर, सपोर्टिंग कैरेक्टर में सर्च कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बताइए मेरे लिए क्या है, क्योंकि मैं जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं या फिर जितने भी मेरे टेक्नीशियंस हैं वो सारे लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, और मेरे टीम में काफ़ी पहले भी काम कर चुके हैं लोग, मैं भी टेलीविज़न से हूँ और मैंने टेलीविज़न काफ़ी किया है, तो जो भी हैं चाहे आर्ट डायरेक्टर हैं या फिर हमारे DOP हैं या जो भी जितने भी टेक्नीशियन हैं, लगभग सारे लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो उन्हीं को लेकर के हम काम कर रहे हैं चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मनोज जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आप क्राइम बेस्ड स्टोरी बना रहे हैं, और क्राइम बेस्ड स्टोरी बहुत सारी है, तो आपकी ये फिल्म किस तरह और फिल्म से अलग होगी? देखिए, कोई चीज़ अलग नहीं होती है, स्टोरी वही होती है, हीरो होता है, विलेन होता है, और एक हीरोइन होती है, कुछ गाने होते हैं, रोमांस होता है, चीज़ें वही होती हैं, आप सारी चीज़ें स्टोरी वही उठा के चाहे वो किसी भी स्टोरी को आप देखेंगे, उसमें ये इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। रही बात स्क्रीन प्ले, दैट इज डिफरेंट, स्क्रीन प्ले डिफरेंट होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि आप रामायण की बहुत सारी स्टोरीज आपने देखी होगी, एक रामानंद सागर सर ने एक रामायण बनाई थी, उसके बाद से बहुत सारे रामायण बने, तो आप सबको बोल सकते हैं कि स्टोरी तो सेम है, फिर बनाने की क्या जरूरत है, क्या लोग रामायण पढ़े नहीं हैं या जानते नहीं हैं, फिर भी लोग देखते हैं, और रामायण हमेशा हिट होता है, चाहे वो आप कभी भी बनाइए, किसी भी सूरत में बनाइए। तो मेरी भी स्टोरी उसी टाइप की है कि सेम स्टोरी है, कोई क्राइम है या जो भी है, लेकिन हम उसका स्क्रीन प्ले आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो आपको काफ़ी इंटरटेन करेगा और एक सब्जेक्टिव मैसेज देगा आपको। फिल्म का शूटिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं बिहार में, और कुछ हमारे लोकेशन है जो नेपाल में हम लोग शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म का स्टोरी में भी बिहार और नेपाल ही दिखाया गया है, इस तरह से हम नेपाल और बिहार में शूट करने की कोशिश कर रहे हैं।